हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों के बारे में। 2019 में जो अंतरराष्ट्रीय मामले रहे उन्हें देखते हैं। 2023 तक WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रुबेला को खत्म करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने 2023 तक खसरा और रुबेला को खत्म करने का संकल्प लिया है। अत्यधिक संक्रामक बचपन के घातक रोग खसरा और रुबेला को खत्म करने का संकल्प दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशियाई एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र में लिया गया है। अगली खबर हमारी, यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने यूट्यूब पर 170 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। यूएस के फेडरल ट्रेड कमीशन ने गूगल के यूट्यूब पर 170 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। यूट्यूब को बच्चों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के आरोपों को निपटाने के लिए 170 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा। यूट्यूब पर माता पिता की सहमति के बिना कुकीज का उपयोग करके बच्चों के चैनलों के दर्शकों पर नजर रखने का आरोप लगाया गया। यूट्यूब ने उन दर्शकों को लक्षित विज्ञापनों में मिलियन डॉलर देने के लिए उन कुकीज का भी उपयोग किया है। अगला हमारा, भारत ने 2022 से 22 तक के लिए GFTAM में 22 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। भारत ने छठे प्रतिकृति चक्र के लिए एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए ग्लोबल फंड में 22 मिलियन डॉलर के योगदान की घोषणा की है। यह पांचवें चक्र में भारत द्वारा योगदान की गई राशि पर 10% की वृद्धि है। भारत ग्लोबल फंड के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी और एड्स, तपेदिक और मलेरिया को खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए दृढ़ है। अगला, इंडोनेशिया का अपनी राजधानी को जकार्ता से पूर्वी कालीमंदन स्थानांतरित करना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि देश की राजधानी एक भीड़ भाड़ डूबते हुए और प्रदूषित जकार्ता से बोर्नियो द्वीप पर विरल आबादी वाले पूर्वी कालीमंदन प्रांत में एक साइट पर स्थानांतरित की जाएगी। अब अगस्त 2019 के कुछ मामले अंतरराष्ट्रीय। नरेंद्र मोदी ने यूएई में रुपे कार्ड लॉन्च किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपे कार्ड लॉन्च किया है, जिससे भारतीय भुगतान प्रणाली स्वदेशी प्रणाली शुरू करने के लिए यूएई मध्य पूर्व में पहला देश है। रुपे कार्ड योजना 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान की घरेलू, खुली और बहुपक्षीय प्रणाली के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। रुपे सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। भारत पहले ही सिंगापुर और भूटान में रुपे कार्ड लॉन्च कर चुका है। अगला हमारा, जॉनसन एंड जॉनसन ने ओपियोड के एडिक्शन क्राइसिस के लिए 572 मिलियन डॉलर का भुगतान करने के लिए का जॉनसन एंड जॉनसन को यूएस में ओपियोड के एडिक्शन क्राइसिस के लिए 572 मिलियन डॉलर भुगतान करने का आदेश दिया गया है। ओक्लाहोमा अदालत ने राज्य के ओपियोड व्यसन संकट को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए जम्मू कश्मीर पर आरोप लगाया। इस पैसे का इस्तेमाल संकट से ग्रस्त एडिक्ट परिवारों और समुदायों की देखभाल करने के लिए किया जाएगा। अगला है हमारा, डिस्कवरी WWF ने सुंदरवन को संरक्षित करने के लिए गठजोड़ किया है। डिस्कवरी इंडिया और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भारत ने सुंदरवन को संरक्षित करने के लिए वन निदेशालय पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी की है। यह कदम का उद्देश्य बंगाल के बाघ मानव संघर्ष को कम करने के लिए सुंदरवन मैंगो वन पर्याय पर बंगाल के बाघों के आवास की रक्षा करना है।
यह कदम एक वैश्विक आंदोलन टाइगर्स के लिए प्रोजेक्ट कैट कास्टिंग योग्य एकड़ का भी एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बाघों के लिए स्वस्थ आवास का निर्माण करना। अगला है हमारा FATF, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप के ब्लैकलिस्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ गैर अनुपालन और सुरक्षा उपायों के गैर प्रवर्तन के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप APG के बारे में बात करते हैं। यह एशिया प्रशांत के क्षेत्र के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए नीतियां विकसित करता है। यह अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। अगला हमारा सऊदी अरब महिलाओं पर विदेश यात्रा पर प्रतिबंध हटाया। एक ऐतिहासिक सुधार में सऊदी अरब ने 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पासपोर्ट प्राप्त करने और एक पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दी है। अगला हमारा मुख्य विशेषताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। इससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु देखते हैं। भूटान की ऐतिहासिक सिम टोका डेजोंग में पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग की उपस्थिति में थिम्पू के ऐतिहासिक सिम टोका दजोंग में एक सरू का वृक्ष लगाया। सिम टोका दजोंग इस हिमालयी राष्ट्र के सबसे पुराने किलों में से एक है। सिमटोका दजोंग एक मठ और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। 720 मेगावाट मांगछेदु देछु जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस जल विद्युत संयंत्र को भूटान भारत मैत्री परियोजना के रूप में जाना जाता है। यह मध्य भूटान के टोंगसा दजोंग खग जिले में मांग देछु नदी पर निर्मित 720 मेगावाट रन ऑफ रिवर बिजली संयंत्र है। इससे मांग देचू जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया। MHPA भारत और भूटान की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से गठित किया गया था। रुपए कार्ड की बात करें तो भूटान के सबसे पुराने दजोंगों में से एक सिमटोका दजोंग में खरीदारी करके प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में रुपए कार्ड लॉन्च किया है। भारत ने घोषणा की कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार मुद्रा विनिमय संरचना के तहत भूटान को अतिरिक्त 100 मिलियन डॉलर उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत और भूटान के बीच मुख्य समझौतों की बात करें तो भूटान के सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच साउथ एशिया उपग्रह के उपयोग के लिए सैटकॉम नेटवर्क की स्थापना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू है। भूटान की मुद्रा है डोल ट्रम। अगली खबर की बात करें तो भारत ने थार लिंक एक्सप्रेस को रद्द किया। कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने साप्ताहिक जोधपुर मुनाबाव थार लिंक एक्सप्रेस को रद्द कर दिया। यह कदम पाकिस्तान द्वारा सभी ट्रेन सेवाओं को स्थगित करने की घोषणा के बाद भारत की ओर से समझौता एक्सप्रेस को रद्द किए जाने के बाद आया है। अगला हमारा काजिन सारा झील बनेगी विश्व की सबसे ऊंची झील। नेपाल में हाल ही में खोजी गई काजिन सारा झील की विश्व की सबसे ऊंची झील होने का नया कीर्तिमान स्थापित करने की संभावना है। यह नेपाल के मनांग जिले में चामे ग्रामीण नगर पालिका के सिंगार
खरगा क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंची झील है, झील तिलिचो झील, जो नेपाल में 4,919 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगली बात करते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने पुनः प्राप्त किया ब्लूमबर्ग बिलियनेयर सूचकांक में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर सूचकांक के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स 106 बिलियन डॉलर के साथ यूरोप के सबसे अमीर व्यक्ति वर्नार्ड अर्नोल्ड फ्रांसीसी लग्जरी गुड्स टाइकून को पछाड़ कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अमेजन के जेफ बेजोस अभी भी विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगली खबर बात करें तो अमेरिका ने चीन को बताया कि मुद्रा को से छेड़छाड़ करने वाला देश। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर चीन को मुद्रा से छेड़छाड़ करने वाला देश कहा। अमेरिका ने चीन पर व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने हेतु युआन का उपयोग करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि बीजिंग ने 11 वर्षों में पहली बार अपनी युआन को राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्तर 7 से नीचे जाने दिया है। आइसलैंड ने जलवायु परिवर्तन के कारण पिथम ग्लेशियर ओगजो पुल के विलुप्त होने का स्मरण किया। आइसलैंड ने जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुके पहले ग्लेशियर ओगजो पुल का स्मरण किया है। आइसलैंड द्वारा आयोजित एक समारोह में कांस्य पट्टिका का अनावरण किया गया, जिसमें पश्चिम मध्य आइसलैंड के वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। पट्टिका पर आ लेटर टू द फ्यूचर उत्कीर्ण किया गया है। अगली खबर है हमारी, चीन टेलीकॉम दिग्गज हुआवे ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिसे चीनी भाषा में हारमोनी ओएस या होंग मैंग नाम दिया गया। अगस्त 6 अगस्त 2019 को हीरो सीमा दिवस मनाया गया। 6 अगस्त 2019 को हीरो सीमा दिवस मनाया गया। यह 1945 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागा साकी पर परमाणु बम बारी की वर्षगांठ का प्रतीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी V-29 बम बरसक ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम फेट मैन गिराया गया था। 2019 इस विनाशकारी घटना की 74वीं वर्षगांठ तिथि है। याद रखिए, हम लिटिल बॉय था ये बम, परमाणु बम था, हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त को 1945 में, और 9 अगस्त को नागासाकी पे फैट मैन दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। पपुआ न्यू गिनी ने में विश्व का सबसे अधिक जीवित भाषाएं, भारत चौथे स्थान पर है। दुनिया भर में 7,111 जीवित भाषाओं को सूचीबद्ध करने वाली भाषाओं की एक निर्देशिका एथनोलॉग के अनुसार पपुआ न्यू गिनी के प्रशांत द्वीप राष्ट्र ओशिनिया में देश 840 जीवित भाषाओं के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि भारत 453 के साथ चौथे स्थान पर है। शीर्ष 5 स्थानों में अन्य देशों 710 जीवित भाषाओं के साथ इंडोनेशिया दूसरे और नाइजीरिया 524 के साथ तीसरे स्थान पर, अमेरिका 335 के साथ पांचवें स्थान पर है। याद रखिए, भारत चौथे स्थान पर है। अब जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की, तो यह बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में थेसा में की जगह लेंगे। अगली खबर है, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान पर 5 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया।
अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने 2011 में रेकोडी परियोजना के लिए टेथियन कॉपर नामक एक कंपनी को खनन पट्टे के लिए पाकिस्तान पर 5 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। नगदी से पीड़ित पाकिस्तान पर यह जुर्माना उसके इतिहास में सबसे बड़े जुर्माने में से एक है। विश्व हिंदू आर्थिक मंच ने काठमांडू में अपना नेपाल खंड शुरू किया है। विश्व हिंदू आर्थिक मंच ने अपना नेपाल खंड शुरू कर दिया है, जिसका उद्घाटन नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगली बार फ्रांस में 2020 से हवाई जहाज के टिकट पर ग्रीन टैक्स लगेगा। फ्रांस 2020 से हवाई जहाज के टिकट पर 18 यूरो तक कर लगाएगा। इसका उद्देश्य कम प्रदूषण फैलाने वाली परिवहन परियोजनाओं को पोषित करना है। अगला गाफा टैक्स। फ्रांसीसी संसद ने गाफा टैक्स गूगल एप्पल फेसबुक और अमेजन के लिए एक संक्षिप्त रूप के रूप में करार दिए गए कानून को मंजूरी दे दी है। कानून देश में ऑनलाइन और गैर करदाता दिग्गजों द्वारा उत्पन्न होने वाली बिक्री पर 3% कर लगाएगा। अगला हमारा पलाऊ अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल होने वाला क्षेत्रवाद देश बन गया है। ओशिनिया में 500 से अधिक द्वीपों के एक समूह पलायु अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला क्षेत्रवाद हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करें तो ISA 121 सौर संसाधन संपन्न देशों का एक समूह है। यह भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित COP21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की ओर से शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में है। अगला WHO ने कांगो में इबोला के प्रकोप को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में घातक इबोला प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा 2 मिलियन लोगों के शहर में फैलने वाला वाले इबोला वायरस के बाद आई है। किन्शासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। कांगो लेस फैंक लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की मुद्रा है। इबोला वायरस के बारे में बात करें हम लोग तो यह अत्यधिक संक्रामक है और इसकी औसतन मृत्यु दर लगभग 50% है। संचरण या जंगली जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त शरीर और तरल पदार्थ या रसायन या अंगों के निकट संपर्क और माध्यम से फैलता है। अगला हमारा जॉर्डन ने अकाबा के तट से लाल सागर के तल पर अपना पहला अंतर जलीय सैन्य संग्रहालय का अनावरण किया है। लाल सागर यह हिंद महासागर के पानी के प्रवेश की एक संकीर्ण पट्टी है। यह मिस्र में स्वेज से दक्षिण की ओर फैली हुई है। वाब अल मंडेव मंडेव जलसंधि तक है। यूक्रेन ने दुनिया के सबसे बड़े धातु गुंबद का उद्घाटन किया है। यूक्रेन ने चेरनोबिल संयंत्र में नष्ट किए गए रिएक्टर के साथ दुनिया के सबसे बड़े चलायमान धातु के गुंबद का उद्घाटन किया है। यह 108 मीटर ऊंचा गुंबद जिसका वजन 36,000 टन है। मोतिहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन व्यावसायिक संचालन के लिए तैयार है। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन अब पूरी हो चुकी है और वाणिज्यिक परिचालन के लिए तैयार है। पाइपलाइन का परीक्षण हस्तांतरण सफलतापूर्वक भारतीय तेल निगम और नेपाल तेल निगम
द्वारा पूरा किया गया था। परीक्षण के हिस्से के रूप में डीजल मोतिहारी से छोड़ा गया था जो अमलेखगंज तक पहुंच गया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा जल्द ही किए जाने की उम्मीद है। यह 69 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक चलेगी। इसका निर्माण भारत ने केवल 15 महीने में किया है जो कि इसकी 30 महीने की समय सीमा का आधा है। यह नेपाल में पहली प्रतिष्ठित तेल पाइपलाइन परियोजना है, भारत से पहली अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन और साथ ही पहला दक्षिण एशियाई तेल पाइपलाइन गलियारा है। श्रीलंका ने श्रीलंका से चेचक को खत्म करने के लिए श्रीलंका विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 5वां देश बन गया है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले क्षेत्र के अन्य देश हैं भूटान, मालदीव, DPR, कोरिया और तिमोर लेस्ते। अगली बात करें तो अमेरिका के लुइसियाना में उष्णकटिबंधीय तूफान वेरी टकराया। संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय तूफान वेरी ने लुइसियाना को तबाह कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लुइसियाना में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। अगली बात करते हैं, यूएस ने फेसबुक पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाया। यूएसए के संघीय व्यापार आयोग ने फेसबुक पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाया। जुर्माने को सोशल मीडिया नेटवर्क गोपनीयता और डेटा सुरक्षा चूक की जांच का निपटान करने के लिए मंजूरी दी गई है। बांग्लादेश ने प्लास्टिक जैसी जूट सामग्री विकसित की। बांग्लादेश में वैज्ञानिकों ने सोनाली नाम की जूट फाइबर को कम लागत वाले जैव निम्नीकरण योग्य सेल्यूलोज चादर में बदलने की विधि विकसित की है। सोनाली के बने पर्यावरण अनुकूल जूट पॉलीवेक का इस्तेमाल कपड़ों और फूड पैकेजिंग के काम में किया जा सकता है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। अगली बात करते हैं हम लोग, ब्रिटेन के नए बैंक नोट पर नजर आएंगे महान गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सोमवार को कहा है कि उसके £50 के नए बैंक नोट को की पिछली तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के कोड ब्रेकर एलन ट्यूरिंग की तस्वीर नजर आई। 2021 के अंत तक विचलन में आने वाले इस नोट पर ट्यूरिंग की 1951 में ली गई तस्वीर मुद्रित की गई है। ब्रिटेन के बैंक नोटों के सामने के हिस्से पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर होती है। अगली पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रघु राम को थाईलैंड का FRCS प्राप्त हुआ। पटाया में रॉयल कॉलेज के 44वें वार्षिक कांग्रेस में आयोजित समारोह में लोकप्रिय स्तन सर्जन और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पी रघुराम को थाईलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया। समारोह का विषय था मूल आधारित सर्जरी में आसियान सहयोग। संस्थान को रघुराम की साहित्यिक दृष्टि के साथ सर्वोच्च पहचान मिली है जो गहन शरीर के साथ कार्य करती है। इससे भारत में स्तन स्वास्थ्य सेवा के वितरण में काफी सुधार किया। अगला, यूरोपियन यूनियन ने चिप मेकर क्वालकॉम पर $271 मिलियन का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय संघ ने यूएस आधारित चिप मेकर क्वालकॉम पर $271 मिलियन का जुर्माना लगाया है। इस पर एक प्रतियोगी को बाजार से बाहर करने के लिए सस्ते मूल निर्धारण का आरोप लगाया गया। बेस बैंड चिप सेट मोबाइल उपकरणों के एक प्रमुख घटक हैं जो इसे इंटरनेट से कनेक्ट करने में सक्षम बनाते हैं। क्वालकॉम ने प्रतिस्पर्धी ग्राहकों को समाप्त करने के इरादे से प्रमुख ग्राहकों को लागत से कम कीमत पर इन उत्पादों को बेचा है। अगला, हमारा विश्व धरोहर समिति का 43वां अधिवेशन। विश्व धरोहर समिति का 43वां अधिवेशन 30 जून से 10 जुलाई 2019 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया।
अगली खबर है इटली की प्रोसेक्को पहाड़ियों ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्रवेश किया है। इटली के उत्तर पूर्वी कोनिंग्यानो और वाल्डो विबियाडेन पहाड़ियां को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिए ये हैं कोलिगिन गिल यानो और वाल्डो वी यार्डेन पहाड़ियां। अब यह इटली का 55वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया के वुड्स बीम सांस्थिक परिदृश्य को यूनेस्को के WHS में शामिल किया है। दक्षिण पश्चिम विक्टोरिया में प्राचीन ऑस्ट्रेलियाई स्थल वुड्स बीम सांस्कृतिक परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह WHS सूची में स्थान हासिल करने वाला ऑस्ट्रेलिया का 20वां स्थल है। इराक के बेबीलोन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने इराक की 3 दशकों की प्रतीक्षा के बाद बेबीलोन के विशाल मेसोपोटामिया महानगर को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने के लिए मतदान किया है। वर्ष 1983 से इराक बेबीलोन स्थल के लिए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। सार जाहे ने एक भारतीय लालू सैमुअल को अपना पहला गोल्डन कार्ड वीजा जारी किया है। सार जाहे के आवासीय एवं विदेश मामलों के महानिदेशक ने एक भारतीय प्रवासी व्यवसायी लालू सैमुअल को पहला गोल्डन कार्ड वीजा प्रदान किया है। बांग्लादेश के ढाका में दुनिया के सबसे बड़े बर्न एंड फिलास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। बांग्लादेश के ढाका स्थित दुनिया के सबसे बड़े बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी संस्थान शेख हसीना नेशनल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट में कार्य प्रारंभ हुआ है। श्रीलंका ने भारत की सहायता से निर्मित पहले आदर्श गांव का उद्घाटन किया है। आदर्श गांव कार्यक्रम के तहत भारत की सहायता से निर्मित श्रीलंका के पहले आदर्श गांव का गंपाहा के रानी दुगामा में उद्घाटन किया गया। यह युद्ध प्रभावित लोगों और भू संपत्ति श्रमिकों के लिए शुरू की गई आवास परियोजना का एक हिस्सा है। इसमें पूर्ण निर्मित घर लाभार्थियों को सौंपे गए। भारत में 100 आदर्श गांव के निर्माण के लिए श्रीलंका के आवास एवं निर्माण और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के साथ भागीदारी की है, जिसमें पूरे श्रीलंका में कुल 2400 घरों का निर्माण किया जाएगा। अगला अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की कि ईरान ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते ईरान समझौते के तहत निर्धारित संवर्धन यूरेनियम भंडार की 300 किलोग्राम की सीमा पार की है। ईरान समझौते के बारे में बात करें तो इससे संयुक्त व्यापक कार्यवाही योजना या ईरान परमाणु समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस पर 14 जुलाई 2015 को ऑस्ट्रिया के वियना में ईरान P5+1 अर्थात फ्रांस यूनाइटेड किंगडम चीन रूस अमेरिका और जर्मनी के बीच हस्ताक्षर किए गए। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना में। अगला खबर है जापान ने व्हील का वाणिज्यिक शिकार पुनः शुरू किया। जापान ने 31 वर्ष के बाद व्हील का वाणिज्यिक शिकार फिर से शुरू किया है, लेकिन यह देश के विशिष्ट आर्थिक जल क्षेत्र में ही रहेगा। इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन की बात करें तो यह इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हीलिंग के तहत स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिस पर वर्ष 1946 में अमेरिका के वॉशिंगटन DC में हस्ताक्षर किए गए थे। ICRW 59 सदस्य देशों के वैज्ञानिक वाणिज्यिक और प्राचीन निर्वाह
विलिंग कार्य प्रणाली का संचालन करता है। IWC का मुख्यालय इम्पेक्टन इंग्लैंड में है। अगली बात करें तो न्यूजीलैंड ने एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगाया। न्यूजीलैंड ने 1 जुलाई 2019 से एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। जून 2019 के अंतरराष्ट्रीय मामलों के बारे में बात करें तो यहाँ संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोएमएल शुरू किया है। संयुक्त अरब अमीरात UAE नया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म गोएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्च करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। यह UAE की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया नया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म है और इसे संगठित अपराधों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रक अपराध कार्यालय द्वारा विकसित किया गया। अगला हमारा सऊदी अरब पूर्णकालिक FATF सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बना है। अमेरिका के ऑरलैंडो फ्लोरिडा में आयोजित FATF की वार्षिक आम सभा के बाद सऊदी अरब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्यता हासिल करने वाला पहला अरब देश बन गया है। FATF के बारे में बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी संगठन है जो वित्तीय अपराधों का सामना करने के लिए नीतियों मानकों को तैयार करने और इन्हें बढ़ावा देता है। FATF को G7 की पहल पर वर्ष 1989 में वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने हेतु नीतियां विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। FATF का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। भारत से सहायता प्राप्त IT बायोटेक्नोलॉजी पार्क का पोर्ट डेलबोए बोयर में उद्घाटन किया गया। भारत की सहायता से निर्मित महात्मा गांधी सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन हाल ही में पोर्ट डिल बोयर के ग्रैंड बेसम में किया गया। कोटे डिल बोयर एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। कोटे डिल बोयर की राजधानी यमो सोको है। मुद्रा है यहाँ की फेंक। अगली बात करते हैं, कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में जन्मा 245 ग्राम वजनी दुनिया का अब तक का सबसे छोटा बच्चा जीवित रहा। इंडोनेशिया के माउंट शेनावंग में नवीनतम विस्फोटक के दौरान राख का विशाल ढेर निकला। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा के माउंट शेनावंग में 9 जून को हुए विस्फोटक से आकाश में 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख का विशाल ढेर गया। अगला हमारा संयुक्त अरब अमीरात ने अमीर निवेशकों और असाधारण प्रतिभाओं को लुभाने के लिए गोल्डन कार्ड योजना शुरू की है। संयुक्त अरब अमीरात ने अमीर और असाधारण व्यक्तियों को लुभाने के लिए एक स्थायी निवास योजना शुरू की है। यह कदम खाड़ी देश में भारतीय पेशेवरों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। UAE के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम द्वारा शुरू की गई गोल्डन कार्ड योजना निवेशकों और असाधारण व्यक्तियों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिकों, छात्रों का। अगली खबर है, IMF ने नकदी से तंग पाकिस्तान के लिए $6 बिलियन क्रेडिट को मंजूरी दी है। IMF ने नकदी की मार झेल रहे पाकिस्तान को 3 वर्ष की अवधि के लिए $6 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। अगला है हमारा, पाकिस्तान ने कतर से $10 मिलियन का वेल आउट पैकेज हासिल किया। नकदी से तंग पाकिस्तान ने तेल संबद्ध राष्ट्र कतर से $3 बिलियन के वेल आउट पैकेज के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की है। अगला है हमारा, मोरितानिया
मोरितानिया में 60 वर्ष में पहली बार चुनाव हुए। लगभग 60 वर्ष पहले फ्रांस से आजादी मिलने के बाद उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी देश मोरितानिया में पहली बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। मोहम्मद ओल्ड गजोनी को मोरितानिया का राष्ट्रपति चुना गया है। मोरितानिया आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मोरितानिया उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी देश अफ्रीका का एक देश है। मोरितानिया की राजधानी ओ अपचो है। अमेरिकी सीनेट ने भारत को नाटो सहयोगी का दर्जा देने के लिए प्रावधान पारित किया। अमेरिकी सीनेट ने भारत के लिए एक विधायी प्रावधान राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया है। नाटो के बारे में बात करें तो 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का गठन वॉशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 29 देशों का सुरक्षा गठबंधन है। नाटो के मुख्यालय की बात करें तो यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला हमारा बिम्सटेक दिवस 2019 ढाका बांग्लादेश में मनाया गया। बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम के सदस्य देश में बांग्लादेश, भारत म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान ने बांग्लादेश के ढाका में बिम्सटेक दिवस 2019 मनाया है। बिम्सटेक का सचिवालय है ढाका बांग्लादेश में। रूस ने यूरोपीय संघ के खाद्य आयातों पर लगे प्रतिबंध को वर्ष 2020 तक विस्तारित किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यूरोपीय संघ से आयात किए जाने वाले खाद्य उत्पादों पर मास्को के प्रतिबंध में वर्ष 2020 के अंत तक विस्तार करने के एक आदेश पत्र पर हस्ताक्षर किए। मार्च 2019 में पाकिस्तान ने भारत आयात में 92% की कमी आई है। मार्च 2019 में पाकिस्तान से भारत आयात में 2.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 92% कमी देखी गई। यह कमी सभी उत्पादों पर 200% सीमा शुल्क लागू करने के कारण आई है। अगला हमारा संयुक्त अरब अमीरात ने सेहत 2031 के लिए राष्ट्रीय रणनीति अपनाई। संयुक्त अरब अमीरात ने राजधानी अबू धाबी में राष्ट्रपति भवन में बैठक के दौरान सेहत 2031 के लिए राष्ट्रीय रणनीति का को अपनाया। अगली बात करते हैं, चीन ने पीले सागर से पहली बार अंतरिक्ष रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। चीन ने पहली बार पीले सागर से सैन डांग प्रांत में एक मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से लॉन्ग मार्च 2011 नामक रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। इसके साथ ही चीन, अमेरिका और रूस के बाद किसी तैरते मंच से कक्षा में सफलतापूर्वक उपग्रह स्थापित करने वाला तीसरा देश बन गया है। 16वीं एशिया मीडिया शिखर वार्ता कंबोडिया में सीएम रीप प्रांत में आयोजित हुई है। 15वीं एशिया मीडिया शिखर वार्ता की मेजबानी भारत ने की थी और 16वीं है कंबोडिया में हुई है। ठीक है, अगली हमारी कासिम जोमार्ट तोकायेव को कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया। श्रीलंका एयरलाइन विश्व की सबसे समयबद्ध एयरलाइन है। द्वीपीय देश की राष्ट्रीय एयरलाइन श्रीलंकन एयरलाइन को लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे समयबद्ध एयरलाइन घोषित किया गया है। हमारा रूस ने पहली आर्कटिक रेल सेवा शुरू की है। रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन से नॉर्वे तक पहली आर्कटिक रेल सेवा की शुरुआत की है। अगला, इटली का एटना ज्वालामुखी पर्वत सिसिली द्वीप पर फट गया है। दक्षिण इटली में यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट एटना एक बार फिर जागृत हो गया है और उससे आकाश में ऊंचाई तक राख, आग और पिघला लावा निकल रहा है।
मई 2019 के अंतरराष्ट्रीय मामलों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन बर्न आउट को बीमारी के रूप में देखा जाए, WHO ने पहली बार रोगों के अपने अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण में बर्न आउट की एक रोग के रूप में पहचान की है। यह निर्णय जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दौरान लिया गया है। अगला है हमारा, भारत को प्रथम संयुक्त राष्ट्र अधिवास सम्मेलन में कार्यकारी बोर्ड चुना गया है। भारत को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम सम्मेलन का कार्यकारी बोर्ड चुना गया है। यह संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिवास और धारणीय शहरी विकास एजेंसी है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय नरोबी केन्या में है। अगला है हमारा, रूस ने हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक शिप यार्ड पर नाभिकीय ऊर्जा चालित चालित आर्कटिक आइस ब्रेकर का विक्षेपण किया है, जिसका नाम यूराल है। इस कदम के पीछे उद्देश्य आर्कटिक महासागर की उच्च वाणिज्यिक संभावना का लाभ उठाना है। अगला है, WHO अल्जीरिया और अर्जेंटीना मलेरिया मुक्त घोषित किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना में मलेरिया के किसी स्थानीय संक्रमण का मामला दर्ज नहीं होने के बाद इन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अल्जीरिया मॉरिशस के बाद मलेरिया से मुक्त मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश है। मॉरिशस को सन 1973 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना पराग्वे के बाद मलेरिया मुक्त होने वाला दूसरा देश बन गया है। पराग्वे वर्ष 2018 में मलेरिया मुक्त घोषित हुआ था। भारत ने MI-24 हेलीकॉप्टर की पहली जोड़ी अफगानिस्तान को सुपुर्द किए। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को 2 MI-24 हेलीकॉप्टर दिए। अगली बात करते हैं, ताइवान समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। ताइवान एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। अब यहाँ समलैंगिक लोगों के पास विवाह करने का अधिकार होगा। अगला है हमारा, विश्व बैंक और कॉम बैंक ने विश्व की सर्वप्रथम ब्लॉकचेन ब्रांड हस्तांतरण के लिए हाथ मिलाया है। विश्व बैंक और कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से द्वितीयक बाजार ब्रांड विपणन की रिकॉर्डिंग को सक्षम बनाने के लिए हाथ मिलाया है। अगली बात करते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला, नए जापानी महाराज नारोहितो ने भेंट कर ट्रंप ने प्रथम विदेशी नेता बनकर इतिहास रचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जापान के राजशाही महल में भव्य स्वागत हुआ, जहां उन्होंने जापान के नए महाराज नारुहितो से सबसे पहले भेंट करने वाले वैश्विक नेता बनकर इतिहास रचा है। अगला है, जापान ने अपनी सबसे तेज गति वाली बुलेट ट्रेन जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर दौड़ने में सक्षम है का परीक्षण करना शुरू कर दिया है, और इसके साथ ही यात्रा के क्रांतिकारी माध्यमों को विकसित करना जारी रखा है। अगला है, नेपाल ने अपना 12वां गणतंत्र दिवस मनाया है। नेपाल 29 मई 2019 को अपना 12वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अगला है, भारत GFDRR के परामर्शदाती समूह की सह अध्यक्षता करेगा। वित्त वर्ष 2020 हेतु वैश्विक आपदा कटौती और क्षतिपूर्ति सुविधा के अंदर GFDRR के परामर्शदात्री समूह के अगले अध्यक्ष के रूप में सदस्य देशों द्वारा भारत को सर्वसम्मति से चुना गया है। यह निर्णय 13 से 17 मई जेनेवा स्विट्जरलैंड में GFDRR की परामर्शदात्री समूह की बैठक के दौरान लिया गया है। अगला हमारा, ईरान ने जे
सीपीओए से आंशिक रूप से निकासी की घोषणा की है। ईरान ने घोषणा की कि वह विश्व शक्तियों के साथ हस्तांतरित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते 2015 के अंतर्गत कुछ प्रतिबद्धताओं से बाहर निकलेगा, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना कहा जाता है। अगला, यूके संसद जलवायु आपातकाल घोषित करने वाली विश्व की पहली संसद बनी। यूके की संसद जलवायु परिवर्तन आपातकाल की घोषणा करने वाली विश्व की पहली राष्ट्रीय विधायी निकाय बन गई है। यह सरकार को वर्ष 2050 से पहले कार्बन तटस्थता की दिशा में काम करने और देश के पर्यावरण को बहाल करने और शून्य अवशिष्ट अर्थव्यवस्था का निर्माण करने हेतु अगले 6 महीनों के भीतर प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने हेतु मंत्रियों को निर्देशित करती है। अगली बात करते हैं हम लोग, आयरलैंड जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश बन गया। आयरलैंड ने देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, यह ब्रिटेन के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया। तो याद रखिए, जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन है, दूसरे पे है आयरलैंड। चलिए अब अप्रैल 2019 की कुछ खबरें देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, वेना को विश्व में रहने योग्य सबसे बेहतर शहर के रूप में नामित किया गया। यूरोपीय शहर वेना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, को इकोनोमिक्स्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी 2018 वैश्विक लेवलेबिलिटी सूचकांक में विश्व में रहने योग्य सबसे बेहतर शहर के रूप में नामित किया गया। इस संदर्भ में मेलबर्न दूसरे स्थान पर और ओसाका तीसरे स्थान पर रहा। इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट का एक लिवेबिलिटी सूचकांक उन विषयों के साथ ही स्थिरता, संस्कृति और पर्यावरण जैसे बिंदुओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष 140 शहरों को स्थान प्रदान करता है। रहने योग्य सबसे बेहतर शीर्ष 5 शहर हैं। पहला है वेना, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है मेलबर्न, तीसरा है ओसाका जापान, चौथा है कैलगरी कनाडा और पांचवा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिए, पहला है वेना ऑस्ट्रेलिया का शहर है, दूसरा मेलबर्न ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये ऑस्ट्रिया का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, तीसरे पे है ओसाका जापान का शहर, और चौथा है कैलगरी ये कनाडा का है, पांचवा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया। हैदराबाद और पुणे 143वें स्थान के साथ भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर है। 149वें स्थान के साथ बेंगलुरु दूसरा सर्वश्रेष्ठ शहर है। 154 स्थान के साथ मुंबई भारतीय शहरों में तीसरे स्थान पर है। भारत की राजधानी नई दिल्ली मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में 162वें स्थान पर है। हैदराबाद 143वें और बेंगलुरु है जो 149, 154वें स्थान पर है मुंबई। अगला है हमारा स्काई टैक्स विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार 2019। स्काई टैक्स विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 हवाई अड्डों को सूचीबद्ध करती है, यह सूची यूके के आधारित एक कंसल्टेंसी फर्म स्काई टैक्स द्वारा जारी की जाती है, जो एयरलाइन और हवाई अड्डों की समीक्षा करती है और स्थलों को स्थान प्रदान करती है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ विमान केंद्र का ताज पहनाया गया है। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे अपने रॉ रूप टॉप स्विमिंग पूल, 24 घंटे मूवी थिएटर और शॉपिंग स्पॉट के लिए जाना जाता है। टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ष 2018 से एक स्थान ऊपर आकर दूसरे स्थान पर आ गया। इंचियोन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर, नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 59वें स्थान पर है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 64वें स्थान पर है। राजीव गांधी हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 66वें स्थान पर है। बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 69वें स्थान पर है। अगली बात करते हैं, भारत मलावी में कृषि संस्थान स्थापित करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने मलावी में भारत अफ्रीकी कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थापित
स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास परामर्श सेवा बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला है ग्लोबल शीतलन संघ। डेनमार्क के कोपेनहेगन में 2030 एजेंडा और पेरिस समझौते के मध्य आयोजित किए गए पहले वैश्विक सहयोग सम्मेलन में वैश्विक शीतलन संघ की शुरुआत की है। वैश्विक शीतलन संघ संयुक्त राष्ट्र जलवायु एवं पर एवं स्वच्छ वायु संघ किगाली शीतलन दक्षता कार्यक्रम और सभी हेतु सतत ऊर्जा द्वारा समर्थित है। अगला हमारा विश्व पितृरक्षण सप्ताह 2019। विश्व पितृरक्षण सप्ताह 2019 को 24 से 30 अप्रैल को एक साथ संरक्षित टीकाकरण कार्य की थीम के साथ मनाया गया है। विश्व पितृरक्षण सप्ताह 2019 पूरे विश्व में माता पिता और समुदाय के सदस्यों से लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्वेषकों तक के लिए मनाया जाता है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि हम सभी टीकाकरण की शक्ति के माध्यम से प्रत्येक उम्र में सुरक्षित हैं। अगला है हमारा इंडोनेशिया ने रामायण के विषय पर विशेष डाक टिकट जारी किया है। इंडोनेशिया ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने हेतु रामायण के विषय पर एक विशेष स्मार्ट डाक टिकट जारी किया है। अगला है अमेरिका ने ईरान की सेना को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया। अमेरिका ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने किसी अन्य सरकार की एक इकाई को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है। एक समूह को विशाल आर्थिक संसाधनों के साथ रखा गया है, जो केवल ईरान के सर्वोच्च नेता को अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के समान श्रेणी में जवाब देता है। अगला हमारा अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि से पीछे हट गया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन बंदूक अधिकार कार्यकर्ताओं की चिंताओं के जवाब में संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि से अमेरिकी हस्ताक्षर वापस ले रहा है, क्योंकि वे हथियार रखने के अमेरिकियों के अधिकार को लेकर उनसे टकरा सकते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वर्ष 2013 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि को अनुसमर्थन के लिए सीनेट में भेज दिया गया। अगला हमारा कतर 2019 तक निकास वीजा प्रणाली को समाप्त करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय स्वयं संगठन ने घोषणा की कि कतर वर्ष 2019 के अंत तक सभी विदेशी श्रमिकों के लिए अपनी निकास वीजा प्रणाली को आधिकारिक रूप से समाप्त कर देगा। एमनिस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 2022 विश्व कप की मेजबानी करने वाला कतर सुधारों को लागू करने और व्यापक श्रम दुरुपयोग को रोकने में विफल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कतर ने श्रम अनुभाग में सुधार के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पुनर्जीवित किया और न्यूनतम मासिक न्यूनतम 750 रियाल पेश किए और ILO के साथ मिलकर काम करने के लिए भी सहमति जताई है। अगला हमारा श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने सार्वजनिक तौर पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया। श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैथिरीपाला सिरीसेना ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का घूंघट या किसी भी प्रकार से चेहरे को ढकने जिससे कि किसी भी पहचान ना की जा सके पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने शांतिपूर्ण और सामंजस्य समाज की स्थापना करने हेतु जारी किया गया है। किसी भी समुदाय के लोगों को असुविधा के उद्देश्य से नहीं रखा गया। अगला हमारा बेरूत। लेबनान ने एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। लेबनान की राजधानी बेरूत ने 24 घंटे के लिए एक शहर में प्रदर्शित किए गए अधिकांश राष्ट्रीय झंडों के लिए एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला हमारा लूज टू विन प्रोग्राम। UAE की सरकार ने मोटे कर्मचारियों के अतिरिक्त किलो वजन को कम करने और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में सहायता करने हेतु लूज टू बिन कार्यक्रम की शुरुआत की है।
अगला है हमारा, पाकिस्तान ने शारदा पीठ गलियारे को खोलने की योजना को मंजूरी प्रदान की है। पाकिस्तान ने एक गलियारा की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है जो भारत के हिंदू तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के क्षेत्र में शारदा पीठ की यात्रा करने की अनुमति प्रदान करेगा। शारदा पीठ गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब तक पहुंच प्रदान करने वाले करतारपुर गलियारे के बाद स्थापित होने वाला दूसरा गलियारा है। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर रिएक्शन फोर्स स्थापित करने के लिए तैयार है। ईरान और पाकिस्तान दोनों पक्षों के सीमांतों पर होने वाले आतंकवादी समूहों के हमले का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त सीमा रिएक्शन फोर्स स्थापित करने पर सहमत है। दोनों राष्ट्रों ने सीमा बलों और खुफिया एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाकर संयुक्त तुरंत रिएक्शन फोर्स स्थापित करने हेतु सहयोग करने का निर्णय लिया है। अगली बात करते हैं, विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन अफ्रीका में लॉन्च की गई। अभी तक की विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन को अफ्रीका के मलावी में एक पायलट प्रोजेक्ट में लॉन्च किया गया है। यह देश अफ्रीका के 3 देशों में से पहला देश है जहां वैक्सीन को ITS के रूप में जाना जाता है जो 2 वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। घाना और केन्या जल्द ही वैक्सीन पेश करेंगे। वर्ष 2017 में विश्व में मलेरिया से संबंधित लगभग 93% मौतें अफ्रीका में हुई थी। अगला है, रूस ने सफलतापूर्वक विश्व का पहला फ्लोटिंग नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का परीक्षण किया है। रोसाटॉम परमाणु निगम की सहायक कंपनी अकादमिक लोमोनोसोव ने कहा है कि रूस ने विश्व के पहले फ्लोटिंग नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। फ्लोटिंग परमाणु ब्लॉक रिएक्टरों को नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। अगला है हमारा, गूगल कंपनी ने अपनी गूगल प्लस सेवा को बंद करने की घोषणा की है। गूगल अपनी गूगल प्लस प्लेटफॉर्म को बंद करने जा रहा है जिसकी मूल रूप से फेसबुक और ट्विटर से अलग एक सोशल नेटवर्किंग विकल्प के रूप में कल्पना की गई थी। गूगल ने खुलासा किया है कि 2 अप्रैल 2019 को सेवा का उपभोक्ता संस्करण बंद हो जाएगा। कंपनी ने प्राइवेसी बग की खोज के बाद सेवा को बंद करने का फैसला किया है जिससे 52.5 मिलियन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया था। अगला है हमारा, गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली डॉन डिलीवरी सेवा शुरू की है। गूगल प्रमुख अल्फाबेट ने अमेजन की पहली वाणिज्यिक डॉन डिलीवरी व्यवसाय में से पहले एक को लॉन्च करने में पीछे छोड़ दिया है। देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद अल्फाबेट वेट ने कैनवरा में अपनी पहली डिलीवरी की थी। अगली खबर है, लंदन प्रदूषण प्रभाव क्षेत्र का उपयोग करने वाला पहला शहर बन गया। लंदन विश्व का पहला शहर है जिसने 24 घंटे 7 दिन अल्ट्रा लो विकिरण जोन को लागू किया है जिसके अंदर वाहनों को कठिन उत्सर्जन मानकों को पूरा करना होगा अथवा जुर्माना भरना होगा। अल्ट्रा लो विकिरण जोन ULEZ को शुरू करने का उद्देश्य विषाक्त वायु प्रदूषण को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अगला है हमारा, भारत ADIBF 2019 में सम्माननीय अतिथि देश है। UAE ने घोषणा की कि भारत अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में सम्माननीय अतिथि देश है। अब मार्च 2019 की अंतरराष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं हम लोग। सऊदी अरब ने भारत को विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में प्रतिस्थापित किया। अग्रणी स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के अनुसार सऊदी अरब ने विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनने के लिए भारत को प्रतिस्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र स्थानांतरण 2018 में रुझान पर जारी अपनी रिपोर्ट में एक संस्थान ने सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया को शीर्ष 5 हथियार आयातक देशों के रूप में पहचाना है। शीर्ष 5 हथियार निर्यातक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन ने मिलकर 2014 से 2018 में हथियारों के निर्यात की कुल मात्रा के 75% हेतु जिम्मेदार है।
अगला यूके के ने स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में नया ब्लैक होल सिक्का जारी किया है। यूनाइटेड किंगडम ने प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस को एक नए 50 पैसे के सिक्के में स्मरण किया है। यह सिक्का ब्लैक होल पर शोध करने वाले भौतिकी विज्ञानी के अग्रणी कार्य को संदर्भित करता है। इस सिक्के को ब्रिटिश उत्कीर्णक और ट्रेंड मेकर एडविना एलिस ने डिजाइन किया था। ब्लैक होल सिक्का ब्लैक होल में हॉकिंग के शोध और सभी के लिए विज्ञान को सुलभ बनाने की उनकी क्षमता के प्रति एक श्रद्धांजलि है। अगला हमारा ओमान ने अपने बंदरगाहों का उपयोग करने हेतु संयुक्त राज्य की सेना को अनुमति प्रदान करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओमान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो अमेरिकी जहाजों और युद्ध विमानों को उनके बंदरगाहों और हवाई अड्डे का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है। इस ढांचा समझौते का उद्देश्य ओमानी अमेरिकी सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। अगला हमारा राष्ट्रपति कोविंद ने क्रोएशिया, बोलिविया और चिली का दौरा किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने और व्यापार, निवेश एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए क्रोएशिया, बोलिविया और चिली की राजकीय का राजकीय दौरा किया है। क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब और मुद्रा है यहाँ की कुना। बोलिविया की राजधानी है सुक्रे और मुद्रा है यहाँ की बोलिवियानो। और चिली की राजधानी है सेंटियागो, मुद्रा है यहाँ पैसो। अगला है मानदा नॉर्वे द्वारा विश्व का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। रॉयटर्स द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे की राजधानी शहर ओस्लो वर्ष 2023 तक शून्य विकिरण कैब प्रणाली के उद्देश्य के साथ इलेक्ट्रिक टैक्सियों के बेड़े हेतु वायरलेस इंडक्शन आधारित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है। नॉर्वे चाहता है कि वर्ष 2025 तक सभी नई कारें शून्य उत्सर्जन वाली हो जाएं, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अन्य राष्ट्रों ने वर्ष 2040 तक समान लक्ष्यों को प्राप्त करना निर्धारित किया है। अगला हमारा दुबई औद्योगिक पार्क में विश्व का सबसे बड़ा ई अपशिष्ट आर रिसाइकलिंग हब खोला गया है। विश्व का सबसे बड़ा ई अपशिष्ट रिसाइकलिंग संयंत्र दुबई दुबई के दुबई औद्योगिक पार्क में इन बिरो सर्व कंपनी द्वारा $5 मिलियन की लागत के साथ खोला गया। यह अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आईटी, परिसंपत्ति प्रबंध, रेफ्रिजरेंट, गैस और विशेष अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करेगा। अगला हमारा पहली बार संयुक्त राष्ट्र परिषद ने आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने हेतु प्रस्ताव पारित किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सदस्यों की सर्वसम्मति से आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ कानून लागू करने का आदेश दिया है। यूएनएससी प्रस्ताव सभी राज्यों से मांग करता है कि वे अपने यह सुनिश्चित करें कि उनके देशीय कानून और नियम आतंकवादी समूहों या व्यक्तिगत अपराधियों को धन या वित्तीय संस्थान एकत्र करने के लिए गंभीर आपराधिक धाराएं स्थापित करते हैं। अगला हमारा जापान ने अपने नए सहयोग रीवा के नाम का अनावरण किया है। जापान ने घोषणा की कि 1 मई से शुरू होने वाले उसके नए सहयोग का नाम रीवा होगा, जो आदेश और सामंजस्य को दर्शाता है। देश का वर्तमान युग हेइसी अप्रैल में समाप्त होगा। अगला हमारा काइली जेनर विश्व की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित अरबपति बन गई। फोर्ब्स ने के अरबपतियों की सूची के अनुसार काइली जेनर विश्व की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित अरबपति बन गई है। 3 वर्ष पुराने काइली कॉस्मेटिक्स नामक सौंदर्य व्यवसाय की 21 वर्षीय संस्थापक और मालिक हैं। इस व्यवसाय में पिछले वर्ष अनुमानित 360 मिलियन की बिक्री हुई थी मिलियन डॉलर की बिक्री हुई थी। वह फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग से पहले इस मील के पत्थर तक पहुंच गई है। वे 23 वर्ष की आयु में अरबपति बने थे। अगला है हमारा मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल हुआ। मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बन गया है। आईसीसी विश्व एकमात्र स्थायी युद्ध अपराध न्यायालय है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अदालतों के असमर्थ या अनिच्छुक होने पर सबसे बुरे अपराध के खिलाफ मुकदमा चलाना है।
वर्ष 2002 में इसकी स्थापना के बाद से मलेशिया न्यायालय का 124वां सदस्य बन गया। अगला हमारा इदाई चक्रवात मोजाम्बिक मलावी जम्बोम्बे से टकराया। मोजाम्बिक जम्बोम्बे और मलावी से एक भयानक चक्रवात इदाई टकराया जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र और सरकारी अधिकारियों के अनुसार तीन दक्षिणी अफ्रीकी देशों में चक्रवात इदाई ने 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। अगला हमारा उपराष्ट्रपति ने पराग्वे और कोस्टा रिका का दौरा किया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पराग्वे गणराज्य और कोस्टा रिका गणराज्य का दौरा किया है। इन दोनों देशों में यह भारत की ओर से पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित शांति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उपराष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट भी प्रदान किया गया। पराग्वे की राजधानी आसनसियोन है, मुद्रा है गुआरनी। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस और मुद्रा है कोलोन। अगली बात करते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा। कजाकिस्तान ने निवर्तमान नेता नूर सुल्तान नजर बाइब का सम्मान करने हेतु अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है। 78 वर्षीय श्री नजरबायेव ने राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में लगभग 30 वर्षों तक सेवा की है। कासिम जुमार टुकाएव को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद बदलाव की घोषणा की गई जिसमें प्रमुख नेताओं पर अपने पूर्ववर्ती की राय लेने का वादा किया गया था। अब हमारा फरवरी 2019 का अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। पहली है कैली नाइट क्राफ्ट संयुक्त राष्ट्र में नई अमेरिकी राजदूत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैली नाइट क्राफ्ट को संयुक्त राष्ट्र में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित करने की घोषणा की है। निक्की हेली की इस्तीफे के कारण संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत का पद रिक्त था। अगला हमारा अफगानिस्तान ने भारत के लिए चाबहार बंदरगाह से होते हुए नया निर्यात मार्ग शुरू किया है। अफगानिस्तान ने भारत के ईरान के चाबहार बंदरगाह से होते हुए एक नया निर्यात मार्ग शुरू किया। चाबहार बंदरगाह भारत ईरान और अफगानिस्तान के मध्य स्वास्थ्य सहयोग के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। यह आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करेगा। अगला हमारा IOC ने भारत को वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी करने के से निलंबित कर दिया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने दो पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा से वंचित करने की पृष्ठभूमि पर वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी के संदर्भ में भारत के साथ सभी चर्चाओं को निलंबित कर दिया। पाकिस्तानी निशानेबाज ISSF विश्व कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भाग लेने वाले हैं। अगली बात करते हैं हम FATF ने पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण रोकने में विफल रहने के कारण ग्रे लिस्ट में रखा। पुलवामा आतंकी हमले की निंदा करते हुए वित्तीय कार्यवाही टास्क फोर्स ने जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा जमात उद दावा जैसे आतंकवादी समूहों के वित्त पोषण रोकने में पाकिस्तान की असफलता के लिए उसे ग्रे सूची में ही रखने का फैसला किया है। ये सूची विश्व में पाकिस्तान के शीर्ष बैंकिंग संबंधों को खतरे में डाल देगी। इससे पाकिस्तान की नाजुक अर्थव्यवस्था को वास्तविक आर्थिक पीड़ा होगी। FATF के संदर्भ में बताएं तो वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स G7 के सदस्यों द्वारा 1989 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। FATF ने सिफारिशों की एक श्रृंखला विकसित की जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार का मुकाबला करने हेतु अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। 7 का समूह G7 एक समूह है जिसमें कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें शामिल।
अगली बात करते हैं, सूडान में आपातकाल की घोषणा की गई। सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने पूरे देश में अपने मंत्रिमंडल और स्थानीय सरकारों को भंग करते हुए 1 साल की आपातकाल की घोषणा की है। अगली खबर है, जिम्बाब्वे ने नई मुद्रा आरटीजीएस डॉलर में व्यापार शुरू किया है। जिम्बाब्वे ने अपनी नई मुद्रा आरटीजीएस डॉलर का व्यापार करना शुरू कर दिया है। बैंक ने एक विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली का अनावरण किया है, जिसने प्रभावी रूप से अपने अर्ध मुद्रा बैंड नोट का अवमूलन किया है, जो आधिकारिक रूप से अमेरिकी डॉलर के साथ समानता पर आंकी गई थी। नई मुद्रा ने डिजिटल डॉलर और ब्रांड नोट कही जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक बैंक बचत को प्रतिस्थापित किया है और इसका नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम के नाम पर रखा गया है, जिसका उपयोग बैंक एक दूसरे के मध्य धन हस्तांतरित करने हेतु करते हैं। अगली बात करते हैं, जेपी मॉर्गन क्रिप्टो करेंसी के साथ पहला अमेरिकी बैंक बन गया। जेपी मॉर्गन ने पहली अमेरिकी बैंक क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की है। मुद्रा को विकेंद्रीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कि किसी को नेटवर्क पर भेजे जाने वाले हस्तांतरण पर नियंत्रण ना हो सके। बैंक और क्लाइंट के मध्य पैसे के अंतर हस्तांतरण हेतु क्रिप्टो करेंसी का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। जो सामान्यतः ब्लॉकचेन तकनीक पर संचालित होती है, क्रिप्टो करेंसी को जेपीएम क्वाइन भी कहा जाता है। अगली खबर है, सर्वप्रथम विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी 2019 को मनाया गया। तो याद रखिए, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अगला है, अबू धाबी ने अदालत में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी ने न्याय वितरण प्रणाली को आसान बनाने के लिए अपनी अदालतों में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया है। 2018 में विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में दुबई एयरपोर्ट शीर्ष पर बरकरार रहा। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने सन 1869 में आवर्त सारणी के पहले प्रकाशन को रेखांकित करने के लिए वर्ष 2019 में रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगली बात करते हैं, हंगरी में 4 बच्चों वाली महिलाओं को आजीवन कर छूट मिलेगी। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के अनुसार देश में 4 या उससे अधिक बच्चों वाली महिलाओं को आयकर देने से जीवन भर छूट रहेगी। अगला है हमारा, थाईलैंड की सरकार ने सियामेसी लड़ाका मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकारने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला है हमारा, विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम 2022 में अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले 1 फरवरी 2019 को अपने पद से हट गए। कैस्टालिना जॉर्जीवा विश्व बैंक की सीईओ 1 फरवरी 2019 में अंतरिम अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगी। अगला है हमारा, मैसेडोनिया नाटो का अंग बना है। मैसेडोनिया ने अमेरिकी नेतृत्व वाले संगठन नाटो के 30वें सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 29 सदस्य देश शामिल है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने पर हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब बात करते हैं हम लोग जनवरी 2019 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। कतर ने ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ली है। कतर ने जनवरी 2019 से प्रभावी पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेने का फैसला लिया है। सन 1961 में संगठन में जुड़ने के बाद कतर ने 1 जनवरी 2019 को ओपेक की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्राकृतिक गैस उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें कतर द्रव प्राकृतिक गैस एलएनजी के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। जनवरी 2019 तक अब ओपेक में 14 सदस्य हैं
अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, भूमध्य रेखीय गिनी, गेबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला। ओपेक के मुख्यालय की बात करें तो कोस्टिया में है कि बेना में। अगली बात करते हैं, अमेरिका और इजराइल ने पक्षपात का हवाला देते हुए यूनेस्को द्वारा छोड़ दिया है यूनेस्को को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इजराइल ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को 2018 के आखिरी में छोड़ दिया। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। अगली बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में 5 देशों ने कार्यभार ग्रहण किया है। 5 देशों बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज और जर्मनी, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ध्यान दें कि यूएन सुरक्षा परिषद 15 सदस्य हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थायी सदस्य हैं और इन्हें वीटो शक्ति का अधिकार है। अगली, हमारी तुर्कमेनिस्तान ने अपना पहला मैसेजिंग ऐप विजवाइड लॉन्च किया है। विजवाइड ऐप ने से संदेशों, फाइलों, फोटो और वीडियो का आदान प्रदान संभव होगा। अगला, मैसेडोनिया ने अपना नाम बदलकर द रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न मैसेडोनिया रख लिया। मैसेडोनिया की संसद ने देश का नाम द रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न मैसेडोनिया रखने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पाकिस्तान के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। रियो डी जनेरो में वर्ष 2020 के लिए विश्व वास्तुकला राजधानी होगी यूनेस्को। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो को वर्ष 2020 के लिए विश्व वास्तुकला राजधानी घोषित किया है। यह शहर वर्ष 2020 में प्रत्येक तीसरे साल आयोजित होने वाले यूआईए विश्व कांग्रेस की मेजबानी करेगा। अगला, हमारा वेनेजुएला में ने अमेरिका के साथ सभी राजनयिक नए संबंधों को तोड़ा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने देश के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सभी राजनयिक संबंध खत्म करने की घोषणा की है। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस और मुद्रे वेनेजुएला बोलीवर, मुद्रा है यहाँ की वेनेजुएला बोलीवर। अगली बात करते हैं, गन्ने के रस को पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय घोषित किया है। तो याद रखिए, गन्ने के रस को पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय घोषित किया है। अगला बात करते हैं, फ्रांस ने वैश्विक इंटरनेट प्रौद्योगिकी फर्म पर गाफा कर लागू किया है। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्यूनो ले मारे ने घोषणा की कि फ्रांस 1 जनवरी से बड़ी इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर नया कर गाफा लागू करेगा। फ्रांस एक नए गाफा टैक्स के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, जिसका नाम गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि वैश्विक दिग्गज यूरोप में अपने बड़े पैमाने पर कारोबार के संचालन पर उचित कर भाग का भुगतान करें। अगली बात करते हैं, फिलिस्तीन G77 का अध्यक्ष बना। फिलिस्तीन राष्ट्रीय महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र के G77 में सभी 134 देशों के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। मिस्र के बाद फिलिस्तीन को वर्ष 2019 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। अगली बात करते हैं हम लोग, इटली और संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीकी जलवायु एवं धारणीय विकास केंद्र की स्थापना की है। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टे ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि के साथ मिलकर अफ्रीकी जलवायु एवं धारणीय विकास केंद्र की स्थापना की है। यह नया केंद्र रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय के पास स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य अफ्रीका में कृषि क्षेत्रों और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। यह जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा और 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को लागू करने तथा वैश्विक ऊष्मन को नियंत्रित करने में मदद करेगा। अगली बात करते हैं, चीन कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व इस्पात संगठन रिपोर्ट के अनुसार चीन कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका वैश्विक उत्पादन 51% से अधिक का योगदान है। भारत ने जापान को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश के रूप में प्रतिस्थापित किया है। चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया और 6ठे स्थान पर रूस है।
अगली बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने 4 फरवरी को प्रथम आधिकारिक विश्व व्हेल दिवस मनाया, जिसमें दूर अथवा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लगभग 1.3 बिलियन लोगों को व्हेल लिपि की महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान की गई। चलिए, तो ये थे हमारे 2019 के कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामले, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स।